أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سامعين। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईशान नाम का मतलब और इसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं। इस नाम की इब्तदाई तारीख उर्दू ज़बान से निकलती है। इस वीडियो में आगे चल के हम आपको बताने वाले हैं कि इस नाम के अफराद कैसे होते हैं और उनका असूल ज़िंदगी क्या होता है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को पूरा देखें। मज़हब है इस्लाम, यानी इस नाम का शुमार इस्लामी नामों में किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं इस नाम का इस्तेमाल हिंदू मज़हब में भी देखा गया है। जिन्स है लड़का, यानी इस नाम का शुमार लड़कों के नामों में किया जाता है। उर्दू में ये नाम चार हरूफ और एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल है। इस वीडियो में आगे चल के हम आपको बताने वाले हैं कि इस नाम का ज़्यादातर इस्तेमाल कौन से तीन ममालिक में होता है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को पूरा देखें। ईशान के मानी हैं ख्वाहिश, ख्वाहिश रखते हैं। ईसा के हिसाब से इस नाम के अफराद के लिए खुशकिस्मत समझे जाने वाले रंग हैं सुरख और बनफशी। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। हिंसों के हिसाब से इस नाम के अफराद के लिए खुशकिस्मत समझे जाने वाले दिनों में शामिल है जुमेरात और मंगल। हिंसों के हिसाब से इस नाम के अफराद के लिए खुशकिस्मत समझे जाने वाले पत्थर में शामिल है रूबी। हिंसों के हिसाब से इस नाम के अफराद के लिए खुशकिस्मत समझे जाने वाली दांतों में शामिल है तांबा और लोहा। हिंसों के हिसाब से इस नाम के अफराद के लिए खुशकिस्मत समझा जाने वाला नंबर है एक। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें। ईशान नाम की तफसील है ईशान खान, ईशान रोशन। इस नाम का ज़्यादातर इस्तेमाल जिन ममालिक में किया जाता है उसमें सरफ़रिस्त है पाकिस्तान, नंबर दो पर है यूएई और नंबर तीन पर है इंडिया। इस नाम के अफराद के बारे में ये समझा जाता है कि ये अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात से टकराना पसंद करते हैं और इनका मुकाबला करना चाहते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप किसी और नाम के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।